आप सोच रहे होंगे ऐसे बर्फीले तूफान में जब सब लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं तो ये यहाँ छुट्टियां मनाने तो नहीं आए होंगे। बिल्कुल सही सोच है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 3 साल पहले से। चिकरजीत गिल उर्फ चिक्सी, भटिंडा के मशहूर सड़ियल, प्यार दोस्ती भाईचारा, ये शब्द इनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। हमारी ग्रैडी ने इतने शौक से बनाया समोसे। ग्लैडी बुलाओ ना भाई, ग्लैडी को। ग्लैडी पुत्र आ जाओ बेटा। अरे रे 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 रे। एक और गया। चिक्सी की प्रॉब्लम ही है, ना तो उसकी बेटियां सुशील हैं और ना ही चिक्सी गिल इतना रईस है कि उसकी भैंसों को कोई यूं ही, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है उसकी गायों को कोई यूं ही अपने खूंटे से बांधे। जरा जी नाड़ियां दी दुकान खोल के बड़े शाहूकार बने फिरदे ने, मेरा ही दिमाग खराब हो गया सी जो व्याह कर लिया थोड़े नाल। जा फिर अपने प्यो दे महलां च, इतनी की करनी पई है। चले जाऊंगी, एक बार मेरी कुड़ियां दा व्याह हो लिया ना पेशे से डेंटिस्ट, मुंह की सभी बीमारियों का इनके पास एक ही इलाज है, शिफ्टिंग पेन। ये शिफ्टिंग पेन है, एक दांत से दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता है। मेरा दांत तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने का किराया माफ कर दूंगा, इस महीने के साथ पिछले 5 महीने का किराया भी ब्याज समेत लूंगा। शिफ्टिंग पेन की तरह ये भी अपना क्लिनिक शिफ्ट कर करके परेशान हो गए, पर इनकी कमाई है कि बढ़ती ही नहीं और लेनदारों की लाइन है जो घटती है। शिफ्टिंग पेन। फैंसी गिल उर्फ फैंसी, पंजाबी फिल्मों का एक बहुत ही लंबरदार। पाड़ नहीं दिता तू मेरी भैन क्या था चूड़ा, ए बंदू करेगी अज मेरा बदला पूरा, मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। मेरे बंदूक दी एक एक गोली तेरे लहू दी प्यासिया। नंबर दारा आई विल रिप ओपन योर चेस्ट एंड ड्रिंक योर ब्लड यू डॉगी। हियर इंग्लिश, एक सीधा साधा पंजाबी डायलॉग नहीं बोला जाता। सीधा साधा पंजाबी डायलॉग ना तो ये सीधा है ना साधा है ना ही डायलॉग है। क्या यार आजकल इंग्लिश जमाना है, इंग्लिश कपड़े, इंग्लिश फिल्मा, इंग्लिश डायलॉग। अब तू मुझे सिखाएगा? अभी सीख जाओगे ना तो अच्छा है, एक बार मैं चला गया ना हॉलीवुड शहर मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं ही अपने अंदर से तुम्हारी ये पंजाबी फिल्में निकालता। 5 मस्ते चाहिए थे मुझे, तीन पे कॉम्प्रोमाइज करा दिया। डायरेक्टर पे काम नहीं करने देते, बड़े आए डायरेक्टर। भाई पकड़। आल टावेस्ट अवे। क्या स्टाइल है, अपने नाम की तरह फैंसी भी लाइफ में सब कुछ फैंसी ही चाहता है, बस कुछ पैसे की कमी है और कुछ अक्ल की। One, two,
बेवकूफ को देखो, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेता। व्हाट मैन, दादाजी लव दिस शर्ट। हाँ, पर लोग क्या कहेंगे? लोगों की बड़ी चिंता है तुझे, खुद तो दादाजी के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया, लोग क्या कहेंगे? मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन था। इमरजेंसी? डेंटिस्ट को कौन सी इमरजेंसी होती है? प्रधानमंत्री के दांत साफ करने गया होगा। पापा जी, ओए मुद्दतों के बाद तो मिलते हो और बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू हो जाते हो। अपने पिताजी के संस्कार पे भी ऐसे ही शोर मचाया था, और कम से कम अपने मरहूम दादे की तो इज्जत रख लो। चाचा जी, पहले इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को किसने शुरू किया था? बस करो यार। फिर भाई, मुझे तुम तीनों भाइयों से बहुत जरूरी बात करनी है। कल सवेरे 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना। जो निपटाना है आज के दिन ही निपटा लो। 2 दिन लगातार इन्हें झेलने की खुर्क नहीं है मुझे। हाँ जी, जो बात करनी है यही कर लो, कल कॉन्फिडेंट के मुंह लगे। और कानूनी काम दफ्तर में ही होते हैं, और फिर मैं संडे को कोई काम नहीं करता। मैं भी कल सवेरे 10 बजे दफ्तर में। चड्डे ने दफ्तर कब बनाया यार? ले, तू पढ़ ले। वेरी गुड चड्डा जी, इको फ्रेंडली ऑफिस। हाँ भाई, चेक से आ, पढ़ लिया? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या कानूनी बकवास लिखी है। तो ये है तुम्हारे दादाजी खेत्रपाल गिल की आखिरी वसीयत। वसीयत? ओए उस खपती गिल के पास था ही क्या? बड़ी वसीयत बना के गए हैं, कहीं कर्जे तो नहीं छोड़ गया हम पे? देखो भाई, बहुत साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी के कहने पर हिमाचल में एक अंग्रेज की पहाड़ी खरीदी थी। अंग्रेज की पहाड़ी? वो वहाँ पर सेबों के बगीचे बनाना चाहते थे। सेबों के बगीचे बनाते तो कम से कम सेब खा के सेब तो बनाते। Yes, an apple a day keeps the doctor away. हो गया हकीम शुरू। हकीम लोगों के इलाज करते हैं, भले चंगे लोगों के दांत नहीं तोड़ते फिरते। पांचवी पास और नर्सरी फेल क्या जाने, डॉक्टरी क्या होती। मैं तेरे को बताता हूँ, नर्सरी फेल कौन है? क्या है यार, तुम तीनों झगड़े बिना रह नहीं सकते। मेरी बात तो सुन लो। और नहीं, सिली किड्स। हाँ जी चड्डा जी, सुनाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एप्पल्स। हाँ, एप्पल। एप्पल नहीं है, पहाड़ी। हाँ, तो वो पहाड़ी मनाली से 2.5 घंटे दूर है, और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, पशुपालन ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। तो हम लोग क्या पशुओं का गोबर इकट्ठा करें? यार मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ। कुछ ही सालों में उस ट्रस्ट का प्रोजेक्ट पास होते ही उस जगह की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। देखता हूँ कौन बोलता है मुझे फकीर। तीनों कुड़ियों के साथ साथ बिल्लों की भी बधाई कर दूंगा। बढ़िया है। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। सीधा हॉलीवुड शहर जाऊंगा और सोनी सोनी मेमा नालिक बढ़िया सी एक्शन फिल्म बनाऊंगा, रिटर्न ऑफ ब्लू लगून। बहुत होती मस्तूरी, पैसे लेनदारों के मुंह पे मार के एक बढ़िया सी ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलूंगा। चैन से रहूंगा, चैन। कहाँ खो गए तुम तीनों? अंडे से चूजा निकला नहीं, और तुम तीनों चिकन पाड़ने के सपने ले रहे हो। ओए चूजा क्या, अब तो पूरी मुर्गी निकलेगी चटिया। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी चिकसिया। क्यों जी, जायदाद तो हमारी है ना? हाँ तुम्हारी है, पर वसीयत के हिसाब से तुम तीनों को उस जगह का कब्जा उनके मरने के 3 साल बाद मिलेगा। 3 साल बाद? तब तक हम क्या घंटा बजाएं? घंटा क्यों बजाओगे, दादाजी उसका भी इंतजाम कर गए हैं। वसीयत के हिसाब से दादाजी के वारिसों यानी कि तुम तीनों को वो जगह तब मिलेगी जब अगले 3 साल लगातार तुम तीनों उस पहाड़ी पर दादाजी की बरसी मनाओगे। हाँ, बरसी के दिन रात के 12 बजे से पहले उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा, और फिर अगला पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा।
Sounds like reality show. Big Brother का पंजाबी वर्जन, तीन ब्रदर। चुप है। और इतना ही नहीं, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी वसीयत की शर्त पूरी नहीं की तो इस जमीन को बेच के आई रकम पे तुम्हारा नहीं किसी और का हक होगा, जिसकी पहचान दादाजी की दूसरी वसीयत और जिसे उनके मरने की तारीख से 3 साल 30 दिन तक गुप्त रखा जाएगा। थोड़ा कॉन्फिस्केटेड है, दोबारा समझाएंगे प्लीज। बकवास बंद कर, मुझे नहीं रहना पहाड़ी वाड़ी पे और वो भी इन दो डफरों के साथ। हाँ जी, मुझे भी 2 दिन बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। मुझे भी पहाड़ी पे नहीं रहना। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, पर सोच लो, करोड़ों की पहाड़ी, अंग्रेज की कोठी और साल में बस 2 दिन। कोई और तरीका निकाल के दे, लगा कोई स्कीम चीम। स्कीम तो भैया अब दादाजी लगा गए, मैं भी क्या करूं। और एक और बात, वसीयत के मुताबिक तुम तीनों भाइयों को एक एक साल अपने दादाजी की अस्थियां अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी और हर साल इन्हें भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। खूबसूरत शक्लें देखनी है।
भाई क्या सर्कस कर रहा है? सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। ये फैंसी कहाँ मर गया है? अरे फैंसी है, मार रहा होगा चल कहीं ना कहीं। पाव बनाकर, पाव बनाकर। कौन है वो? कौन है वो? फैंसी तू? फैंसी तू? फैंसी मैं हूँ, फैंसी मैं हूँ। और फैंसी चल चल मान, चल चल मान। पाव बनाकर। फैंसी अस्थियां ना भूल जाए। बंद कर अपनी काली जबान। फैंसी जैसा खोता भी करोड़ों की अस्थियां नहीं भूल सकता। ऐसे मौसम में मोटरसाइकिल पे फैंसी जैसा खोता कुछ भी कर सकता है। चुप कर, ब्लड प्रेशर ना बता मेरा। ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 साल की मेहनत ऐसे बर्बाद हो जाएगी, सारे सपनों पे पानी फिर जाएगा। क्या बोलने जा रहा है? शर्त याद है ना आपको? 12 बजे से पहले पहुंचने की है। अगर वो डंगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो बस मिल गई इजाजत, मिल गई आजादी और सुधर गया आपका बुढ़ापा। टाइम क्या हुआ है? अभी नहीं, जब तेरा प्यो घोड़ी चढ़ा था तब। अभी टाइम क्या हुआ है? ये 11:30। आने दे उसको, आज मैं उससे बड़े प्यार से मिलूंगा, हाथ मिलाऊंगा, गले लगूंगा, 2-4 प्यारी प्यारी पुच्छियां दूंगा और फिर जब वो बेफिक्र होके बैठ जाएगा फिर पीछे से भाजी, मैं तो कहता हूँ पूरे खानदान में काफी हो जो समझदार हो। दिल झूठा? नहीं सच्ची भाजी, तभी तो मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। ठंड बढ़ गई ना तो जला ले आग। पाजी आपको तो पता है पिछले साल भी मुझसे नहीं जली थी आग। मैं आपके लिए पैक बना देता हूँ, आप जला दे। ना सच्ची पाजी ये कोई बात है, ना कोई परवाह ना कोई फिक्र, बस वो उसकी बाइक और उसका कुत्ता। उस कुत्ते की बात मत कर, पिछले साल मेरे कायम चूरन की पूरी डब्बी की डब्बी खा गया, पूरे घर में गंदी गंद पूरी बू। कुत्ते ना पुत्र। पाजी पाजी धुएं का कुछ करो, सब अंदर आ रहा है। अंदर पूरा गंद फंसा है, अभी निकालता हूँ। और तेरी पैंट, पता नहीं क्या कचरा ऊपर है। पे लंगूर घूमते थे, आपको देख के उनकी याद आ गई।
शट अप मैंने बोला ना शट अप पाजी शट अप हिंदी समझ में नहीं आती मेरी बात तो मुझे ठंड लग रही है बस यही बोलना था दरवाजा उठा कील ठोकना है दरवाजा हाँ दरवाजा एक बात बता तूने ये क्यों बोला कि आप बहुत समझदार हो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैंने कब बोला अभी बोला ना नहीं बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मिट्टी पर लो जी ये तो हो गया अरे वाह वाह पाजी आप तो कारपेंटर भी हो कारपेंटरी तो अभी दिखाता हूँ तेरे को ये ले चल के अंदर आ जा इसे कहते हैं समझदारी पाजी खोलो प्लीज खोलो प्लीज बड़ा भोला बनता है उंगल करने में सबसे आगे पाजी मैं उंगल नहीं करता झूठा एक नंबर का झूठा चल एक बार खुल के बोल क्या बोलूं बोल मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे झूठा कपटी और उंगल खोर इंसान हूँ और आप दुनिया के सबसे कमीने भाई हो वो तो मुझे पता है लेकिन ये बोल के तू अंदर नहीं आ सकता पासवर्ड कुछ और है पासवर्ड बोल दरवाजा खोल नहीं तो कर बाहर बर्फ में रॉक एंड रोल अच्छा ठीक है मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे छोटा और क्या कपटी और उंगल खोर इंसान हूँ मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे झूठा कपटी और उंगल खोर इंसान हूँ जोर से बोल मजा नहीं आया हाँ हाँ मैं झूठा हूँ कपटी हूँ उंगल खोर हूँ आजा ठंडा पानी लेने खुशकी होगी ना ले मैं क्रीम देना है क्रीम ला फिट हो जाएगा मामला ले क्यों यार कांका लगाते क्यों यार होल ला थोड़ी पता नहीं दादाजी ने भी क्या सोच के ये पागलों वाली सर्द रखी थी अभी देख रहे होते ना तो रो पड़ते हा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 ह
ये सीटी किसने मारी है? ये रामलीला रामलीला, तुम्हारी बीवियों का ब्याह नहीं है जहां सीट के मारने आ गए हो। इस बंदर को इसके दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा, इसकी पूंछ में आग लगाए। प्योरा माइकल आ रहा है, सही कह रहे हमारी रोटी इस जमीन से आती है माँ, ये हमारी, मैं तेरे को बताऊं बात। बाबूजी, आपकी माँ हमारी माँ, और रोटी तो आप हमारे रिजॉर्ट पे आके भी खा सकते हो फ्री में। अरे सीधी सादी भाषा तेरे को समझ में नहीं आती? नहीं बेचनी है मैं हमारी जमीन, और जब तक आ जाए तो चंद मार के तेरे को धरती में गाड़ दूंगा। तेरी माँ को खरीदेगा, तेरी पेंट क्वील उतार के मैं तेरे को नंगा करके बताऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा। मैं तो देख भाई चिक्सी, ओ यार मैं नहीं पूरा गांव जानता, खेत्रपाल गिल के लिए सब बराबर है, ये सबको एक नजर से देखते हैं यार। ओ एक आंख है तो एक ही नजर से देखेंगे ना, हैं? मैं कहा चला भाई, तूने फैसला कर लिया ना? हाँ, और मैं नहीं किसी से डरता। पूछे बगैर जमीन का सौदा करके आए? आप तो पैसे देने को तैयार नहीं हो, अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओए 5 लाख में तू अपनी माँ का सौदा कर देगा? और तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने कितनी बार तेरे को समझाया कि शहर में कुछ नहीं रखा, मैं अपना नहीं तो कम से कम अपने निक्के निक्के भ्रावों का तो ख्याल। अब मत भागा अपनी जिम्मेदारियों से, मैं तेरे को। दादाजी, इनका ख्याल तो आप भी रख सकते हैं ना। शहर जाके कपड़े की दुकान खोलूंगा मैं, और कुछ ढंग का काम करूंगा। मेरे सारे यार बेले शहर चले गए, और एक मैं हूँ, पिछले 4 साल से इधर खेती संभाल रहा हूँ, उन दोनों की माई बड़ा हुआ हूँ मैं। दूसरों का चेहरा लाल देखकर अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारते, हमें कोई कमी है गाँव में बता? ओ कमी है, कमी नहीं है तो कुछ तरक्की भी नहीं हुई है इस सड़े हुए गाँव में। बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ाता है, जाके सौदा वापस कर दिया, नहीं बेचनी अपनी जमीन। दादाजी, मैंने जुबान दी है, और वैसे ही मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात की। हिस्से की बात करता है, कान खोल के सुनाए, एक टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे मेरी जमीन का। उस दिन के बाद उस हवेली में कदम नहीं रखा मैंने। तो कहता हूँ दादाजी ने जानबूझकर वसीयत में ये पॉइंट डाला ताकि उनके मरने के बाद हम भी आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं और हमें जायदाद की फूटी कौड़ी ना मिले। सीधी कह रहा, थोड़ी मेहरबानी करो, 2 साल शांति से काट लिए हैं, ये साल भी शांति से काटने दो। और ठीक है, फैंसी के आने तक शांति रखते हैं, उसके बाद उस पर भी तो पड़ास निकालनी पड़ेगी, आखिर जायदाद में उसका भी तो हिस्सा है। दरवाजा खुले। अभी क्या बंदर? बाजी, बाजी मुझे तो होश में नहीं लग रहा। फैंसी, मुझे पहचाना? मैं तेरा बड़ा भरा बाजी। मैं तो कहता हूँ तो
भाई गार्ड की कसम ये बोतल अंदर वार दूंगा। चिपक गया, चल बैठ इधर। बुला इसको। खबरदार जो मेरी दारू पर बात की तो दारू पी और बता अस्थियां कहां हैं। अस्थियां कहां हैं बेंसी? दादाजी कहां हैं? दादाजी डेड। तू ना आराम से दारू पी, ठीक है? फिर मैं तेरे लिए एक और पैक बनाऊंगा। एक और पैक बनाता हूँ, तेरे बेवकूफी दारू है। पाजी, मैं खूनी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या? तू पागल हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है अप्पी। तेरी कोई गलती नहीं है। है अप्पी है? नहीं है, नहीं है। बोले क्या है? है नहीं है, है नहीं है। माँ जी ने चले मेरे ही बल्ले। दारू पी और सुन, उन्हें दिल की बीमारी थी, उम्र हो गई थी उनकी, इतनी भी कोई उम्र नहीं हुई थी। और फिटे मुंह जरा, आप भी कुछ बोलो ना। और अस्थियां कहां है कचरा? इतनी कस के बांधा था, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। क्या क्या हो गया? वो रास्ते में मोटरसाइकिल फिसली और उछल के गिर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पाजी, ये अभी होश में नहीं है। ये तो पिताजी भी होश है, बुड्ढे को मरे 3 साल हो गए और इस डंगर को अभी पता चला है। पाजी, मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं होगा। मुझे बता दादाजी कहाँ? याद है पिछले साल भी हम यहाँ आए थे, तब मैं दादाजी को लेके इधर आया था और उससे पहले साल चिक्सी बाजी उन्हें यहाँ लेके आए थे, है ना? इस बार तेरी बारी थी, तेरी, है ना? तो तू मुझे बता
दादाजी कहाँ हैं? दादाजी? हाँ, दादाजी। हैप्पी? दादाजी इज डेड। पाजी, पाजी, पाजी। एक मिनट। मुझे पता है, हमें पता है, दादाजी डेड हैं। तो? पर अभी कहाँ हैं? नरक में? पाजी, पाजी, एक मिनट। ओए, मेरा वो मतलब नहीं था। तो अस्थियां, अस्थियों का मटका लाया है कि नहीं? ओ, ओ, शैकी और वो साथ साथ। पाजी, पाजी, पाजी। फैंसी, फैंसी, एक मिनट के लिए शैंकी को भूल। शैंकी, एक मिनट के लिए फोकस, फोकस, फोकस। तूने, मैंने, दादाजी, दादाजी, तूने, मैंने, दादाजी की, दादाजी की। अरे क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है? सीधा उसको पूछ, अस्थियां कहाँ है? हाँ, अस्थियां कहाँ है? अस्थियां? हाँ, ashes, ashes, हाँ। आइस के डिब्बे में। तूने अस्थियां आइस के डिब्बे में रखी? हाँ, मैं चाहूंगी। जाएगा 40 साल में अब तक तो होश आया नहीं, सुबह क्या खाक हो जाएगा? मेरे ख्याल से बाहर सोफे पे डाल देते हैं। मेरे ख्याल से वहीं पड़े रहने देते और इस जगह को आग लगा के भाग जाते हैं। बाय द वे, इतनी ठंड है फिर भी तुमने आग नहीं जलाई? कोशिश करी थी। हाँ, पता है क्या कोशिश करी होगी। पहली बार मेरे बस का नहीं है आग साग जलाना। चल चल के पहले दरवाजा ठीक कर लेते, उन्हें ठंड में कुक्कड़ बन जाएगा हमारा। व्हाट मैन, चिल। ओए, असली में चिल हो जाएंगे यार, तब तक ठंड आ रही है अंदर। तू आपे कर ले फिर, मुझे रिलैक्स करने दे पहले। जनानियों वाले शौक पता नहीं कब जाएंगे। भाई गार्ड, कभी कभी तो मुझे शक होता है। जब दारू पिया तुझे क्या पता है? मुझे नहीं पता, ये सब पता है। आज भी बुला नहीं पाया तू उसे। किसे? गुलीन कार को। ये फैंसी क्या कर रहा है? पता नहीं क्यों कपड़े लेके भाग गया मेरे पीछे से। कैसे कपड़े? नया सूट था भट्टे वाली आंटी का, महंगा वाला। झूठ। नहीं तो? हाँ तो देखो नहीं,
ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣੀ अमृतसर डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिली है मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है लॉ कॉलेज चंडीगढ़ झूठ ऐसा हाँ तो टेडी बियर है गुडलीन से तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी हाँ तूने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की मैंने कैसे वो जो टोपी पहनाई थी मुझे पहले उस मोटी आंटी ने चित्तर मारे फिर दादाजी ने इतना कुटापा हुआ कि आज भी लेडीज बनियान देख के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं मेरे इसके बाद तू दिखी कभी गाँव में मैं नहीं टोपियों माइयों की कुड़ियों पर नजर रखता पर अगर मुझे पता होता कि तेरे दिल में उसके लिए इन्फेक्शन है तो मैं शायद कुछ पता करके रखता चल छोड़ यार हिरनी थी हिरनी हिरनी नहीं हॉर्नी थी हॉर्नी वो संभाला फेंसर वेट जस्ट किकिंग यार चल कोई नहीं आई हेल्प यू हैं गिव मी द प्रेस चल तू भी एक मार ले तब तक चल I'm sorry, Happy. Cheers. Oh, love you, baby. Hey, Manpreet, याद है? Happy, very fast.
मनप्रीत ढिल्लो अंकल की बिच। ओ मनप्रीत, व्हाट अ नेम, व्हाट अ डॉगी। काफी होशियार डॉगी थी, काफी ट्रेन थी यार। ट्रेन थी पर उसका एक ड्रॉबैक था यार, स्मेल बड़ी मारती थी, गंदी, जैसे जैसे मेरा कच्चा। नहीं यार वो तो और भी गंदी है। तूने मेरा कच्चा जला दिया। हैप्पी हैप्पी आई एम सॉरी सॉरी हैप्पी, अब मैं कल क्या पहनूंगा। तो मेरा कच्चा पहन ले हैप्पी, जो की हैप्पी आई एम सॉरी। तू मेरे कपड़े को हाथ मत लगा, हाथ नहीं मैं प्रेस लगाऊंगा, तू कुछ नहीं लगाएगा। देख तू नाराज प्रेस वापस सारे कपड़े प्रेस कर, प्रेस वापस पे आई एम सॉरी, प्रेस वापस। ये तो अभी आपको चिल्ला रहा है। तूने मेरा लॉक चला दिया। झूठा, अभी तो कह रहा था कच्चा जला। लायर, एनी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ कच्चा। तू पाजी के लिए दारू बना, मैं भी आता हूँ। मैं ओके नहीं बोल दारू कैसे तड़प रहे है दारू के लिए, वेरी बैड, ड्रिंकिंग इज इंजरी ऑफ हेल्थ पाजी। शट अप। पाजी पाजी सुनो, पाजी सुनो, पाजी उठो मेरे सर पे किसने मारा था दादाजी? अय्या डॉक्टर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, इसका भी तो कुछ कर। हो गया पेंसी पाजी फिर गए। चलो टॉनिक टाइम। फैंसी पाजी फिर गए।
पाजी तो बचपन से ही फिरे हुए है हैप्पी। मैं कंबल लेकर आया। रोली टाइम। पाजी की मुंडी इंडिविजिबल। सॉरी सॉरी मिस्टेक इज मी विजिबल विजिबल पाजी स्लिपिंग। तुझे भी नींद नहीं आ रही है ना? नो प्रॉब्लम शैंकी आज चिक्सी चाचू के साथ सोएगा। इसके साथ डोर फॉल अगेन। नो प्रॉब्लम आई विल थॉक इट आउट स्नोफॉल डोर फॉल हैप्पी हैप्पी आल्सो स्लीपिंग गुड नाइट भी नहीं बोला। हैप्पी 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 आल्सो स्लीपिंग पाजी आल्सो स्लीपिंग सेंकी आल्सो स्लीपिंग आई आल्सो स्लीपिंग। दादाजी को घुमाने ले गए। घुमाने नहीं दफनाने। आपने शैंकी को मेरे शैंकी को बाजी आपने ठीक। ठीक तो अभी सब करता हूं।
कल रात यहाँ कुछ ड्रामा हुआ था। क्या हुआ था? किसी ने मेरे सर पर जोर से मारा था। किसने मारा? यार ये सुबह का टाइम बड़ा खराब होता है। खोलो वो लैट्रिन हो क्या? मैं अब तेरे सामने खोलूंगा। वॉचमैन ओपन द रस्सीज एंड गो टू टॉयलेट। अरे कल रात खाली पेट गैस बन गई है और कुछ नहीं। कुछ खा के तुम्हारी खबर लेता हूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने छुपा के रखा है। अरे मैं इस्कंदर से पूछ रहा हूँ। मुझे क्या पता इसने कहाँ छुपा है? बताना कहाँ रखा है? कहीं नहीं, मैं क्यों कहीं रखूंगा? अभी तो तूने बोला मैंने छुपा के रखा है। मेरा मतलब था मैंने थोड़ी ना छुपाया है। नहीं छुपाया? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? तू है, तुझे पता होना चाहिए ना। खाना और बर्फ तू लेके आने वाला था। ये लेके आया डॉग फूड, ये ना खा तू। भूल गया? अब तू ये भी भूल गया कि खाना कहाँ रखा है? नहीं हैप्पी, मैं कोई पागल हूँ जो खाना रख के भूल जाऊंगा? मैं खाना लाने ही भूल गया। चला अभी दिखा तू तेरे को। पानी हम सारी पानी भूल गया। कल रात से एक दाना पेट में नहीं गया और मुझे कहता है भूल गया। पानी डोंट रन मी प्लीज, पैसी बहुत बड़ा हैंगिंग हो रहा है। अजम नहीं हुई होनी ना मेरी दारू पी तो पी और बची हुई अपने कुत्ते पर छोड़ दी। पाजी शाइनी को बेटे पर लाना। अब तू क्या मालूम? हाँ भाई फीलिंग रात को रात पर बाहर जाता है, सुबह भूखा मारता है, ऊपर से फील सील करता है। पाजी स्टॉप ऐसे, इसको मत छेड़, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। चीख जितना मर्जी चीख, अब तुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। सारी बाजी क्या चाहिए? क्या धीरे बोलो, कौन हो भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? ओए पागल हो गया क्या? किससे बातें कर रहा है? पाजी भाई साहब लगता है रास्ता भूल गए। आप कौन से भाई साहब आ गए तेरे? पाजी मुझे छोड़ो और सोचो इस टिड्डे का क्या करना है। पाजी बड़े जंग लग गया दादाजी की बंदूक को, आज काम में आएगी। बांधने से पहले पूछ लिया होता। अच्छा अब हर काम तेरे से पूछ के करना पड़ेगा? मुझसे नहीं, उससे। उससे? उस कुछ बैठिए से पूछूं? भाई साहब बंधना पसंद करोगे या कुछ और? मेरा मतलब था पूछ लेते कौन है। क्या तूने किसी को अपॉइंटमेंट दी थी दांत तोड़ने की? फॉप करना क्या है? हाँ पाजी खुद तो बंदूक लेके बैठ गए हो, हम क्या करें? इंतजार करो।
जब कोई तितर बटेर यहाँ पानी पीने आएगा मैं गोली चला के उसका शिकार करूंगा। Awesome planning, पाजी। लेकिन गोली अगर तितर बटेर को लगी तो? अरे वही तो मैं चाहता हूँ टकरण। अरे गोली अगर आपके टिड्डे को लग गई तो? ओए घबरा मत, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मेरी बारी, मेरी बारी। खबरदार, मेरे हथियार को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये अपने आप कैसे चल गई? ऐसे मौसम में आपको लगता है कोई पक्षी आएगा? गोली की आवाज से बच्चे कुछ पक्षी भी उड़ गए होंगे। हमें कुछ देर खाने के बारे में भूल जाना चाहिए। वो देखो आसमान खुली गया है, रास्ता भी साफ हो जाएगा, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। पूरी रात स्नो फॉलिंग हुई है, इतनी ठंड में हमारे और इस घुसपेटे के अलावा किसी और का दिमाग इतना खराब नहीं होगा। होगा नहीं होगा, कोई होगा जिसे पता होगा कि हम यहाँ है या नहीं। कितनी बार कहा है चाचा चौधरी मत पड़ा कर, हटना। पाजी पाजी करोड़ों की जायदाद और साथ में दूसरी वसीयत जिसके मुताबिक जायदाद किसी और को भी मिल सकती है, क्या कोई करोड़ों ऐसे जाने देगा? वो हम पर नजर तो रखेगा। पर कौन? हो सकता है कोई बोट का बंदा। तेरा मतलब वो चड्डा? ना ना ना, चड्डा नहीं पाजी। हो सकता है दूसरी वसीयत वाले ने किसी और को इस काम के लिए रखा हो, जैसे 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 डिफेक्टिव। चुप भाई। ओए, और टुंडो, टुंडो उसको। भाई साहब, कहाँ हो? वो बाहर निकला, कुछ नहीं करता। दारू की कसम कुछ नहीं करता। वो बर्फ में ठहर जाओगे भाई। एक्शन करा दिया कुछ पेटी के पीछे डफर। तूने देखा तो नहीं ना? ओए किससे बात कर रहा है? पाजी भाई आपका टिड्डा। तो पकड़ फिर। पकड़ा तो है। ओए उसे पकड़ घोटिया। ओए हाँ। कैसे छूट छूट कर रहा है भाई? छोटा किन्ना हूँ। पटियाला भाई, पटियाला। बैठो भाई साहब, आराम से बैठो, अपना घर है। इतनी सेवा तो इन्होंने कभी दादाजी की भी नहीं की थी, कितनी इस घुसपेटिए की कर रहे हैं। भाई साहब बुरा ना मानो, मुझे तो एक बात पूछूं, आप इतनी ठंड में ऊपर छत पर लुक कर क्यों बैठे थे? और वो जो मुझे छत पर बजर बट्टू की तरह बांध दिया था। इतनी सी बात को दिल पर नहीं लगाते। कैसे नहीं लगाते? ठंड के मारे अगर मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो। ची 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 ची। दिल का दौरा पड़े आपके दुश्मनों को? अभी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? अमेरिका। फैंसी भाई साहब, आप इसकी बकवास पे ध्यान में दो। हाँ आप विस्की पियो। आप अभी तक नाराज हैं। मुझे बिल्कुल समझा के डॉक्टर, चला लूंगा। आप आराम से पास बताओ, मेरे पास बताओ। पता नहीं कैसे पागल भाई, कोई दादे और कुत्ते में उलझता है, कोई किसी का सर फोड़ता है, कोई किसी को भूखा।
एक बात याद रखियो, तेरे जैसे जेम्स बॉन्डो के लिए ना हमारे चाचा चौधरी। चुप है खोते, ये दादाजी का जासूस है, जासूस। अरे भाई, ना मैं घुसपैठिया हूँ ना जासूस हूँ, मैं तो भेड़े चराता हूँ। शर्त लगाई थी इस भूतिया झोपड़ी में रात बिताने की, हमारे घर को जुए का अड्डा समझता कार बोल दी है। ये तो कार का है, पूरा कार जल जाएगा, फिर आएगा। बिगड़ता बेटा है, बिगड़ता बेटा। डिटेक्टिव नहीं है तू, जासूस भी नहीं है नहीं। और तू जेम्स बॉन्ड भी नहीं है? नहीं भाई नहीं। कमाल है, ऐवी इतनी बड़ी एंट्री है। माफ करना भाई साहब, माफ, मैं तेरे को अभी साफ करता हूं। देख, आज मनमोहन पकड़ो, पकड़ो उसको, पकड़ो। बाप का शीशा चल पाए साले, कभी कुछ बैठिया कभी बैठिया। यस गो, दादाजी की बंदूक। बाजी, बाजी नहीं, बाजी कहाँ जा रहे हो? बाजी, बाजी नहीं, बाजी, बाजी कहाँ जा रहे हो? बाजी, अरे बाजी, कमाल करते हो बाजी, वो भाग गया तो भागने दो ना, हमें थोड़ी ना घर छोड़ के जाना चाहिए। ओए मेरे सर पे खड़ा होके मुंह पे थूकना बंद कर, हाथ दे। ओए आगे आगे हाथ दे। अरे ये फैंसी क्या, उसको घर छोड़ने चला गया? पाजी, पाजी ये भागम दौड़ी छोड़ो और वापस चलो, शर्ते भूल गए हो क्या? हाँ तो लगा आवाज फैंसी को। फैंसी, गैस हो गई है, मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ये तू सुना रहा है कि दिखा रहा है? है ना? हाँ ये 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 चल। ओए हट परे, Thank you.
was his loss. His time's in Zenith. What? Ah. जो मैं देख रहा हूँ। हाँ पाजी, इतने बड़े बड़े। चुप रह, गंदा दिमाग। गंदा दिमाग? मैं पराठों की बात कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे थे? मैं भी वही देख रहा हूँ, पराठे। लेकिन ये पराठे वालियाँ, अरे, वो रहा फैंसी। तुझे गोभी के पराठे पसंद है ना? मैंने वो नहीं बनवाए। और आपको आलू के परोठे बिल्कुल पसंद नहीं ना पाजी? नहीं नहीं, मैंने वही बनवाए। और आज आलू क्या, मैं तो पालू भी खा जाऊंगा। बियर इट बियर, ये हो गया। और ठहर, सबर कर जानवर, टेस्ट करने। कड़वा है। बेचारी प्यार से परोठे बना रही है, आप बस नुक्स निकाले जाओ। स्टॉप स्टॉप। बेबी स्वाद है, स्वाद है। थोड़ा मेथी, मोर मोर मेथी। हैंड्स अप, हेड्स डाउन। ओफो पाजी, आपने फिर बांध दिया। What happens? ये हद का क्या? और ये पुलिस कॉन्स्टिपेटर से हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ससुराल। आपको गलत फैमिली हुई है। मैं और हैप्पी तो भी बेंचलेस है। सबको पेड़ क्यों मार रहे हो? देख लो पाजी। लाते मारो, खूंटे मारो। यही लेके गया था मैं उन चुड़ैलों के पास। पाजी? क्या पाजी? भाग गई तेरी बीबियां, हंस गए तेरे बापे। वो जो पराठे खा रहे थे ना, उसमें चरस, गांजा, अफीम, न जाने क्या क्या मिला हुआ था। परोठों में मर जो है ना। हाँ, और ये समझ रहे हैं कि हम ड्रग डीलर हैं। ऐसे कैसे समझ रहे हैं? मैं इनसे बात करता हूँ। देखिए हवलदार जी, दरअसल इंस्पेक्टर जी, इंस्पेक्टर जी, इंस्पेक्टर जी, आवरा इंस्पेक्टर कबरू बाबा के इलाके में चरस गांजे का धंधा करते हो, और वो भी पराठों में। तो मालूम है मुझे पराठे कितने पसंद है। और क्या क्या किया तुम लोगों ने? देखिए इंस्पेक्टर जी, बिना उन लड़कियों के हम कैसे साबित कर पाएंगे कि ये पराठे हमारे नहीं है। हाँ, हमें तो आटा गूंदना भी नहीं आता। सीख जाओगे आटा गूंदना, चक्की पीसना, तेल में मैं तुम लोगों को सब सिखा दूंगा। और जो सिखाना है उन लड़कियों को सिखाओ, पराठे भी उनके, चरस भी उनकी। उन भोली भाली लड़कियों की इज्जत नहीं लूट पाए तो उन पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या? What? ओए यार, भोली भाली लड़की eat us parathas, they try to steal हमारी इज्जत। अच्छा, तो अब लड़कियां लड़कों की इज्जत लूटने लगी हैं? क्यों जी, लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? बताओ। नहीं होती, नहीं होती, लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती। मुझे पता है, इसलिए तुम लोगों को मिलेगी जेल, पर मुझे प्रमोशन। पहुंच गए जेल में, लुट गया सब कुछ। 3 साल से आस लगा के बैठा था,
सब मिट्टी हो गया। मिट्टी सिर्फ आपकी नहीं, मेरे सपनों पे भी पड़ी है। जायदाद के साथ साथ सारी उम्मीदें भी गई। जायदाद गई? ऐसा क्यों बोल रहा है हैप्पी? मेरे सारे ड्रीम्स सब फिनिश हो जाएगा यार। तो चुप कर, तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ ये सब। जितना बड़ा बेवकूफ वो है उतना ही बड़ा उंगलखोर तू है। ना तो उस टिड्डे के जासूस होने की उंगल करता और ना ही उसके पीछे इतना बड़ा ड्रामा होता और ना ही इस खोते को अपना दिमाग चलाने का मौका मिलता। मुझे क्यों बोल रहे हो बार बार? तब तो बड़े मजे ले लेके खा रहे थे परोठे दोनों। भाई परोठों के साथ साथ जहर भी खिला देता तो कम से कम ये दिन देखना ना पड़ता। टके टके में बिकनी इज्जत मेरी। सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी इज्जत का कुछ नहीं। तुम्हारी इज्जत है ही कहाँ? एक नालायक ढोंगी डॉक्टर और एक आवारा सड़क झाप नौटंकी। मैं अगर सड़क झाप नौटंकी हूँ तो आप कौन से नाड़े लास्टिक की दुकान खोल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो? और आप कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? अपनी इज्जत तो 20 साल पहले ही गाँव में छोड़ाए थे। तेरी इज्जत के भी कम कारनामे नहीं सुने मैंने? लड़की के साथ नंगा पकड़ा गया था। शाबाश शाबाश, गाली भी दे दे। मेरे बड़े होने का जो थोड़ा बहुत लिहाज है वो भी ना कर। बड़ो वाला कोई काम किया है आपने? बड़ो वाले कोई बात होती तो भाग के नहीं जाते। बकवास बंद कर। क्यों बंद कर? क्यों बंद कर? ठीक कहते थे दादाजी, भाग गए आप जिम्मेदारियों से। जिम्मेदारी बोझ थे तुम दोनों, बोझ। जाता नहीं तो क्या करता? पोथड़े तो था तुम्हारे जिंदगी भर। वाह वाह पाजी, वाह वाह, आज पता चल गया कि हमेशा से कितने खुदगर्ज रहे हो आप। जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचा तो खुदगर्ज हो गया मैं। अगर तुम्हारे दादाजी उस वक्त मुझे कुछ पैसे दे देते तो आज मैं भी कुछ होता, पर नहीं, तुम्हें जो पालना था तू तो था ही हड्डियां खाने के लिए। और तू पापा जी की आखिरी गलती, तू भी टपक पड़ा, बर्बाद कर दी जिंदगी मेरी। हाँ, मैंने जिंदगी बर्बाद की आपकी, और तेरी तेरी जिंदगी भी मैंने ही बर्बाद की है ना। हाँ हाँ, तूने की है, तुम दोनों ने की है। ओए अपनी कमजोरियों का जिम्मेदार मुझे ना बना। क्यों ना बनाओ? एक भाई छोड़ के रुलने के लिए, और दूसरा? दूसरा क्या, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? सब कुछ तूने ही बिगाड़ा था। अगर मैंने सब कुछ बिगाड़ा हैप्पी तो तू ठीक कर लेता। ढूंढा क्यों नहीं तूने उसे? हाँ बात मत बदल। बात यही है हैप्पी, नहीं ढूंढा तूने उसे क्योंकि हिम्मत नहीं थी तुझमें, पर हर बार बस मुझे कोसा है। हाँ कोसा है। क्यों कोसा है? क्यों? क्योंकि क्योंकि नफरत है मुझे तुझसे और आप सभी। वह उतनी नहीं होगी जितनी मुझे तुम दोनों से है। सुबह मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो। बोला ना हमने कोई जुर्म नहीं किया। तीनों भाइयों को बड़ा मजाक सूझ रहा है, हाँ?
आखिरी बार पूछ रहा हूं, जुर्म कबूल है कि नहीं? क्या कबूल कबूल है? नहीं नहीं, ये नहीं। जुर्म कबूल है या नहीं? नहीं, ये नहीं। सड़ा भाईचारा है, हैं? ये नहीं तो तू कबूलेगा। सबको तुम मैं बता सकूंगा आज तक ऐसा क्रिमिनल लोहा नहीं बना जो कब्रों पारा के सामने ना पिघला। रुको, हमें इधर नहीं उधर जाना चाहिए। पाजी
शहर तो नीचे की तरफ है, आप रॉन्ग साइड ले जा रहे हो। रॉन्ग साइड नहीं, राइट साइड ले जा रहा हूँ। हमें पहाड़ी पे जाना चाहिए, शहर नहीं। पाजी पाजी भूल जाओ जायदाद, जायदाद के चक्कर में फिर जेल न पहुंच जाए हम। हाँ पाजी, पुलिस हमें ढूंढते हुए सबसे पहले वहीं पहुंचेगी। तूने कहा था ना हैप्पी कि बड़ों वाला कोई काम नहीं किया मैंने, तो वही करने जा रहे हैं, चाहे पुलिस आए या मिलिट्री। मैं दादाजी को वहां लावारिस छोड़कर नहीं जा रहा। बस पाजी, दो छोटी छोटी पहाड़ियां ही बची है। ओए पहाड़ियों को इधर ले आ, मेरे में हिम्मत नहीं है। टर्मिनेटर्स। पाजी, हमसे पहले ही पहुंच गई। दादाजी को निकालने में थोड़ा रिस्क है। और जहां रिस्क है वहां हम है। यू हैप्पी? यस। ओए डींग मारना बंद कर, चलें। ओए टैंक भी बुला लिया है। हैप्पी टैंक सोन, खाली होते ही ये कबाड़ खाना गिरा दे। जी? अबे बहरे, ये कबाड़ खाना गिरा दे। अभी गए जी। तीनों अलग अलग जगह से घुसने की कोशिश करेंगे। मेरे तीन गिनते हैं तक। शूट शूट डोंट टॉक। एक दो या। अरे ये मरवाएगा। फसना
स्टंट्स खुद करता है। वाओ मैन, ट्रू लाइस। लो अब घुसपैठिए भी आ गई। अबे टांगों में बर्फ जमी है क्या? बाहर निकालो इन्हें। और लोग अपनी सहेलियों का नाम वहां पर लिखवाते हैं, आप अपना नाम लिखा कर घूम रहे हो हैं? लो पढ़ो। दादाजी की टांगों के
के बीच लोहा बांध रखा चल भाग। आपका कब्जा इस जगह पर तो हमारा कब्जा है। अरे ये जमीन क्या तुम्हारी बीवियां दहेज में लेकर आई थी कब्जियों? और क्या, वी आर द ओनली गिल प्रोस फुल स्टॉप। तुम लोगों पे फुल स्टॉप तो मैं लगाऊंगा। जी और तुम कौन होते हो यहाँ कब्जा करने वाले है? हम कौन होते हैं? हम ये होते हैं ये बोल चढ़े यार, वो जबान चिपक गई क्या? क्या बोलूं चिकसिया, ये जमीन और पहाड़ी तो दादाजी 3 साल पहले ही बेच गए हैं इन्हें, इस शर्त पर कि इसका कब्जा आज के दिन दिया जाएगा। जी हाँ जी, दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता। काका एक बार ग्लैडी से अकेले में बात तो कर लो। आपकी पूरी फैमिली के दांतों का इलाज करी, लेकिन ओके व्हाट हैपेंस, व्हाट अबाउट दिस गर्मा गर्म पिज्जा? पिज्जा ग्लैडी ग्लैडी तीन साल तो नारे से बढ़िया जयदादा लेकर आए ने। अरे अरे अरे, दिल मिले, तकदीरें मिली, एक दूसरे का साथ भी मिला, पर कुछ सपने शायद फिर अधूरे रह गए। चलो दादाजी की वसीयत से और कुछ नहीं तो तीनों भाइयों को भाईचारा तो मिल ही गया। वो कहते हैं ना, अंत भला सो। अरे ये क्या, अब कौन सी मनहूस खबर आ गई? आप यहां साइन कर दीजिए। व्हाट हैपेंस, बट व्हाट हैपेंस?
लिए। हमें बुलाया? मैंने नहीं, बग्गा सो सेठ चंडीगढ़ ने, जिनके पास आपके दादाजी की दूसरी वसीयत। लो, दूसरी वसीयत, दूसरा स्यापा, सबके बीच में तू है कौन? डिटेक्टिव क्या है? डिटेक्टिव बग्गासो सेठ ने मुझे हायर किया था ये देखने के लिए कि आप तीनों वसीयत की शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। और शर्तें हमने पूरी नहीं करी। What? शर्तें पूरी नहीं करी डिटेक्टिव डैंग? करी मैडम, करी। इनको क्या पता? क्या मतलब मुझे क्या पता? कुछ चुप कराइए ना, क्यों अपना फ्यूचर और मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं? मैडम आप प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। श्री खेतरपाल जी ने हिमाचल वाली प्रॉपर्टी 3 साल पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बेच दी थी ऑन द कंडीशन कि उसका कब्जा बोर्ड को 3 साल बाद मिलेगा। ये तो हमें पहले ही पता है। व्हाट्स न्यू? उस प्रॉपर्टी को बेच कर आई हुई रकम 17 crores 78 lakhs 9,823 rupees और ये रकम श्री खेतरपाल जी के वारिसों को मिलनी है। 17 crores? हाँ। 23 rupees? या हमें मिलेंगे? नहीं, इन्हें मिलेंगे। झूठ। नहीं तो? हाँ तो। करी थी पर की हो गया होना किसी चुड़ैल लाल ब्याह। नहीं जी, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। झूठ। नहीं तो? हाँ तो। वाकई बड़ी दूर की सोच थी दादाजी की, कमाल किसकी ने, अरे एक साथ ही सब बिछड़ों को मिला दे। सही कहते हैं, बाप बाप होता है और दादा बाप का बाप। जय हो दादाजी, जय हो। किडनी स्टोन? हम्म,